प्यारे मित्रों, प्यारा सा नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूं बहुत ही एक ज्वलंत विषय पर, जो आज घर घर की कहानी है। बहुत परेशान हूं, क्या करूं, मेरा बेटा मोबाइल ही नहीं छोड़ता है। अरे मेरे घर की स्थिति तो और ज्यादा खराब है, मोबाइल हटाओ तो टीवी, टीवी हटाओ तो मोबाइल। अरे मैं तो परेशान हो गई। अरे भाई मैं भी बहुत परेशान हूं, सही कह रहा हूं ना मित्रों, यही चल रहा है हमारे घर में। आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। विषय है हमारा कि बच्चे मोबाइल और टीवी से दूर क्यों नहीं हो रहे हैं। आज मैं आपको क्लियरिफाई करूंगा कि बच्चे मोबाइल और टीवी से क्यों दूर नहीं हो रहे हैं। अब देखिए आपके अनुसार क्या कारण है। अरे बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं, मम्मी घर पे ध्यान नहीं देती है। अब देखिए मम्मी का क्या कहना है। अरे इनके पापा को पहले ही बोला था इसको मोबाइल मत दिलाओ, मत दिलाओ, मत दिलाओ, मेरी एक नहीं सुनी, दिलवा दिया मोबाइल। अब देखो 24 घंटे मोबाइल छोड़ने को तैयार। मम्मी बोल रही है पापा की गलती, पापा बोल रहे हैं मम्मी की गलती, और जब दोनों एक सुर में बोल रहे हैं तो भाई गलती किसकी, केवल और केवल बच्चे की गलती। अब मैं आपको क्लियर करता हूं कि सही मायनों में भाई माजरा क्या है। देखिए क्या होता है। अब मुझे बताइए, आप शॉप से घर आते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, जब भी आप कुछ फुर्सत के क्षण में होते हैं तो आप क्या करते हैं, बताइए क्या करते हैं। अरे भाई आप क्या करते हैं, आप वही करते हैं ना जो आपको अच्छा लगता है। और आपको क्या अच्छा लगता है, आप अपनी शॉप को क्लोज करके आए, आप अपने ऑफिस से आए, जैसे ही आप रिलैक्स के मूड में हुए हैं, आप उसके बाद हाथ में आपने क्या ले लिया है, रिमोट ले लिया है, और सोफे पे भाई इस तरह से आराम से बैठ चुके हैं, हाथ में है रिमोट और चैनल पे चैनल बदले जा रहे हैं, राइट। जहां थोड़े से टीवी से आप उबे तो फिर आपके हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल हाथ में तो फिर क्या हो रहा है, केवल स्क्रॉल, राइट, केवल स्क्रॉल हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इट मींस जब भी हम फुर्सत के क्षण में होते हैं, मैं बात कर रहा हूं आज बच्चों के सभी पेरेंट्स से, सभी मम्मियों से, सभी बच्चों के पापाओं से, बताइए मुझे आप क्या करते हैं। बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं, आप यही करते हैं। अरे भाई मैं भी यही करता हूं, जब मैं ये करता हूं तो डेफिनेटली आप भी यही करते हैं कि जब भी हम फुर्सत के क्षण में होते हैं तो हम कहां बैठ जाते हैं, हम टीवी के सामने बैठ जाते हैं या फिर हम मोबाइल पे बिजी हो जाते हैं। तो भाई देखिए, अब हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बच्चे भी जब फ्री होते हैं, बच्चे भी जब फ्री होते हैं तो वो क्या करेंगे। अरे भाई वो भी तो अपना समय इसी तरह से व्यतीत करेंगे ना, राइट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बच्चों का आप डांट के सही कर दोगे, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी बच्चा कभी भी हमारी डांट या मार से सही नहीं होता है। कोई भी बच्चा हमारे उपदेशों को सुन के नहीं सुधरता है, बच्चा सुधरता है हमको हमारा अनुसरण करके, बच्चा सुधरता है हमको देखकर। अब देखिए वो घर में क्या देख रहा है, वो देख रहा है कि जब भी उसके पापा फ्री हैं तो भाई वो मोबाइल और टीवी पे बिजी है, जब भी उसकी मम्मी फ्री है तो मोबाइल और टीवी पे बिजी है, तो भाई डेफिनेटली जब भी बच्चा फ्री है तो काय में बिजी है, बताइए, डेफिनेटली मोबाइल में बिजी है और टीवी में बिजी है। ये है बहुत बड़ा कारण कि बच्चे मोबाइल और टीवी को नहीं छोड़ पा रहे। यदि आपको ऐसा लगता है कि मोबाइल छीन के रख दिया जाए, यदि आपको ऐसा लगता है कि केबल का कनेक्शन काट दिया जाए, तो हम बच्चों की इन आदतों से हम छुटकारा मिल सकता है, भाई यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ, भाई आप गलत सोच रहे हैं। ये एक क्षणिक समाधान है, कुछ समय का सलूशन है, परमानेंट सलूशन नहीं है। तो भाई आज मेरे इस वीडियो में आप लोगों से एक ही गुजारिश है, एक ही निवेदन है कि यदि आप बच्चों का टीवी और मोबाइल छुड़ाना चाहते हैं तो भाई आप भी आपके टीवी देखने का समय और आपके मोबाइल चलाने के समय को निर्धारित कीजिए घर पे आने के बाद। Is that clear? यदि वो चीज आप निर्धारित कर देते हैं, उसके बाद जो समय आपके पास बचता है वो समय आप आपके बच्चों को देते हैं, तो डेफिनेटली ये जो बच्चों की आदत है ना कि वो टीवी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो मोबाइल
को छोड़ना नहीं चाहते हैं, डेफिनेटली इन सब आदतों से छुटकारा परमानेंटली मिल सकता है। गॉट द पॉइंट? और यदि आपको इस मैटर को लेके और कोई क्यूरी हो, इस मैटर पे यदि आप कोई और समाधान चाहते हो, तो एक बार मुझे अवश्य लिखें, मैसेज करें। डेफिनेटली एज पर योर प्रॉब्लम आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट सॉल्यूशन। सो क्लियर ऑल फ्रेंड्स? थैंक यू।